पंजाब के बीएड टीचर्स की तरफ से पिछले 16 दिनों से मोहाली स्थित सुहाना के पास 200 फीट की ऊंचाई टंकी पर बैठकर आमरण अनशन किया जा रहा है। इन टीचर्स की मांग है कि जब तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक वो इस टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। इन टीचर्स का कहना है कि प्रशासन और सरकार इन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है और जल्द इनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आत्महत्या तक भी कर सकते हैं। साडा मिशन साडियां मंगा पूरिया करो, साडियां मंगा पूरिया करो, जायज मंगा पूरिया करो। पंजाब के बीए टेट सब्जेक्ट पास टीचर्स की तरफ से पिछले 16 दिनों से जो है मोहाली स्थित सुहाना में आमरण अनशन किया जा रहा है। ये टीचर्स जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। अगर इन टीचर्स की बात करें तो ये 200 फीट ऊंचाई टंकी के ऊपर जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप साफ तौर से जो है तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कुछ टीचर्स जो है नीचे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 16 दिनों से जो है इनका प्रदर्शन जारी है। वहीं अगर चार टीचर्स की बात करें तो वो टैंकी में चढ़कर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस टैंकी की ऊंचाई की अगर बात करें तो ये टैंकी की ऊंचाई जो है लगभग 200 फीट बताई जा रही है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन जो है पूरा ढीला रवैया जो इस मामले में उठा रहा है, क्योंकि ये टीचर्स धरने पर बैठे हैं इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी जाती है तो वो जो है कुछ भी कर सकते हैं। उनका कहना है कि वो आत्महत्या तक भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है महिला टीचर हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं और क्यों वो जो है इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। क्या मैम, क्या नाम है आपका? मैम प्रवीण कौर कुबाया जी। क्या आपकी मांगे हैं और क्यों आप जो है इसके ऊपर? मैम हम काफ़ी समय से सब्जेक्ट प्लस टेट प्लस कर चुके हैं ते पिछली सरकार दी गलत पॉलिसियां कारण असी रह गए ते इस तो बाद साड़ी धरना काफ़ी पहला लग चुका थी। अकाली कांग्रेस सरकार खुद इतने आए थे भी असं ज्वाइनिंग लैटर दवावे, बट हूँ वो भी ना मुकर कर रहे हैं, बिल्कुल साड़ा काम नहीं कर रहे भी जिदा कह सकते सानू लारे ला रहे हैं। वो कहते तुम नीचे आ जाओ तो असं काम करा, इनका मीनस सू की एक मिठी गोली दे रहे हैं। असं इस तरह नीचे नहीं आना जब तक साड़ियाँ मंगा पूरिया नहीं होंगे। किस तरीके की आपकी मांग है? कब जो है आपने ये टेट का सब्जेक्ट जो है पास किया? मैम 2011 से 2015 से सर एक कैडर है तब से ही हम मांगे कर रहे हैं भी सभी को लगाया जाए तो तब से ही हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही। हमारे टेट पास प्लस 8600 हैं, उसमें पोस्टें आई हैं 14000 8600 भी पूरे नहीं, मतलब गलत पॉलिसियों के कारण ज्वाइन नहीं कर सके अकाली सरकार के कारण। हूँ कांग्रेस सरकार भी ये भी अपना कि ये मुद्दा सही तरह ढंग नहीं पूरा कर रहे। लेकिन जिस तरीके से आप कदम उठा रहे हैं, आप खुद जो है एक टीचर हैं, इस तरीके का आपका जो रवैया है आपको लगता नहीं गलत है? मैम लगता तो गलत है, क्या करें मैम, मांगे सुनते नहीं। 3 महीने हो गए हमने हरेक ML को मांग पत्र दिए, किसी ने सुनवाई नहीं की। EM एजुकेशन मिनिस्टर अरुणा चौधरी ने काफ़ी टाइम से मिले, 2-3 बार मीटिंग, वो कहते हम तुम्हारा 5 मेरे वो कहते हैं हम आपका मुद्दा नहीं काम नहीं कर सकते, थोड़ा काम कौन CM करे, CM की मीटिंग नहीं सू मिल रही, इसलिए असं टेंकी के उपर बैठे हैं। बाकी साड़ी मांगा ये भी सू जब तक ज्वाइनिंग लैटर नहीं मिलते असं टेंकी के उपर धरना देवे। जेकर फिर भी सू कह भी असं थोड़ा काम नहीं करते, असं आत्महत्या तक पेट्रोल पा के जो भी असी कदम गलत चुकेंगे, ये की सारी जिम्मेवारी की होगी कांग्रेस सरकार की होगी तो प्रशासन की होगी। आपको लगता नहीं है, अगर आपसे बात करें आपको लगता नहीं है कि जो आप लोगों को सबको मिलकर जो है एक बार फिर से मिलना चाहिए? मैम ये हम काफ़ी समय से इस चीज़ को प्रशासन के पास जा रहे हैं, हर MLA के पास, हर मंत्री के पास अपना मांग पत्र लेके गए, वहाँ पे हमें यही चीज़ मिली है, कर देते हैं। मैम काफ़ी समय से अब हमारे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब हमारे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनको देखें तो वो मरने के लिए तैयार हैं, हम बैठे हैं हम भी मरने के लिए तैयार। हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारे जो कुछ कैंडिडेट 8600 कैंडिडेट हैं टेट प्लस सब्जेक्ट टेट पास हैं उनका सबको जॉब फॉर ऑल दी जाए। हम किसी के लिए नहीं है, हम अपने लिए आए हैं, अपने जो अपने साथ कैंडिडेट आए उनके लिए हैं। हमारा हक बनता है, ये प्रशासन को भी पता है, हमने जो उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट्स रखी थी हमने वो सारी फुलफ़िल की हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रशासन हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
हमने सब कुछ उनके लिए किया, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी रखी हमने वो क्वालिफाई की, तो अब उनका हक बनता है, हमारा भी हक बनता है, हम ये पोस्ट लें और उनका हक बनता है हमें ये पोस्टें दें। लेकिन आप टीचर्स हैं, अगर आप ही ऐसा कदम उठाएंगे तो लोग बच्चों को जो है क्या सिखाएंगे? मैम हम काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर, हमने भी ये सोचा था हम ये कदम नहीं उठाएंगे, पर जब कहते हैं ना रोने पर तो बच्चे, माँ भी बच्चे को तभी दूध देते जब वो रोता है, हम भी इतने समय से रो रहे थे हमें पोस्ट दो, पोस्ट हमें, नौकरी चाहिए हमें, रोजगार चाहिए हमें, कोई नहीं दे रहा था, अब हमारी ये आगे हमें भी रोना पड़ रहा है, वो रोना किस टंकी पर चढ़ के हम प्रशासन के आगे रो रहे हैं, हमें कुछ दो, हमें भी कुछ दो, तो हम अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ पे चढ़े हैं, तो वो अपनी मांगें पूरी करवा के ही हटेंगे। कोई आया प्रशासन का अधिकारी? अभी प्रशासन आता है, SDM आते हैं, सर आते हैं, कोई भी आता है वो हमें यही बोल देते हैं आप नीचे उतर जाओ हम आपको मीटिंग दिला देंगे। मीटिंग तो हमें 6 सालों से लगातार यही हो रहा है, वो मीठी गोली जो हमें दे रहे हैं वो मीठी गोली हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अब हमें भी पता है इसके बाद हमारी जो टेट की वैलिडिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम तो इनसे डिमांड करने के लिए भी लायक नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ हमारे लिए अब ख़त्म हो चुकी है, अब उतरेंगे तो नियुक्ति पत्र लेके ही उतरेंगे, अदरवाइज सॉरी मैम अब इस बार तो हम डटे हुए हैं जी। बिल्कुल साफ तौर से इनका कहना है कि ये टैंकी से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक जो है नियुक्ति पत्र इन्हें नहीं दिया जाता है, और अब देखना ये होगा कि कैप्टन सरकार इनकी जो मांगे हैं उनकी उन्हें मानती है या नहीं, या उनकी इनकी मांगों को जो है हल्के में लेती है। लेकिन इनका साफ तौर से कहना है कि अगर इनकी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी जाती है तो ये कोई भी कदम उठा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ newsnumber.com के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर। इन टीचर्स का कहना है कि ये करीब 9000 ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने दिसंबर 2014 में टेट पास किया था और 2015 में सरकार की तरफ से 6000 टीचर्स के लिए आवेदन निकाले गए, मगर सरकार ने 2014 के टीचर्स को कंसीडर नहीं किया और उनकी जगह पर 2015 के टेट पास टीचर्स को नियुक्ति पत्र दे दिया। पिछली सरकार ने उनके साथ नाइंसाफी की और मौजूदा सरकार भी उनके साथ यही रवैया अपना रही है। वहीं जहां तक प्रशासन की बात करें तो 4 पुलिस वालों के अलावा वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। मैं कल से हूं, मुझसे पहले 7 दिन से अनीता मैम थे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से फिर उनकी जगह मैं बैठ गई। अगर सरकार सीधे तरीके से सुन ही नहीं रही तो ये तरीका ही हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम पंजाब में देख रहे हैं कि लगातार जो जैसे ETT वाले हैं वो हमसे पहले टंकी पे थे, वो सभी के सभी लग गए, बट हम BEd वाले थे, हम मांग रहे थे उनसे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सुनी नहीं, बट हमें अब लग रहा है कि सरकार जरूर सुनेगी। नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आते हैं, वो हमसे बातचीत करते हैं, बट हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें कोई दे नहीं रहे, दैट्स व्हाई कि हम जैसे हैं वैसे ही डटे हुए हैं। नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों से जो हमारी मीटिंग हुई है पर उनसे कोई हमारा अभी मसला हल नहीं हुआ जी, और जब तक हमारा मसला हल नहीं होता हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो हमारे साथी पिछले 16 दिन से टंकी पर हैं, ये टंकी की हालत आपने भी देखी है कितनी खस्ता है, अगर किसी तरह का भी कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। पर क्या करें जी, पिछले 1.5 साल से शांति से रहकर देख लिया, सरकारें सुनते नहीं हैं, सरकार तो अब कानें बंद करके बैठी हैं, ऐसी भाषा को सुनती हैं, प्यार से सरकार सुनती नहीं है, क्या करें? गाड़ियां मंगा, पूरियां करो, साडा मिशन जो फोरा, साडा मिशन जो फोरा।